दोस्तों, दुनिया में कई देश ऐसे हैं जिनका नाम उस देश की भाषा, संस्कृति और वहाँ की मशहूर चीजों के नाम पर रखा गया है। जैसे बांग्लादेश। बांग्लादेश का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ बंगाली भाषा बोली जाती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर देश का नाम ऐसे ही रखा जाता है, बल्कि कुछ देश ऐसे भी हैं जिनका नाम बिल्कुल उस देश के उलट होता है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसे ही देश के बारे में बताने वाले हैं जहां रात नाक के बराबर होती है। क्षेत्रफल के लिहाज से तो ये देश दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन इतना बड़ा होने के बाद भी यहाँ की आबादी सिर्फ इतनी है जितनी भारत में किसी एक छोटे शहर या गांव की होगी, या उससे भी कम। दोस्तों, ये एक ऐसा देश है जिसे अमेरिका खरीदना तक चाह रहा था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ठंडी जगहों में शुमार ग्रीनलैंड की, जिसका नाम तो ग्रीनलैंड है, लेकिन यहाँ आपको ग्रीन कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ आपको हर चीज सफेद मिलेगी। इस देश की 85% जगह पर बर्फ की सफेद चादर सी बिछी हुई है। कहने के लिए तो ये ग्रीनलैंड एक देश है, लेकिन ऊपरी तौर पर इस पर डेनमार्क का नियंत्रण है। ये नॉर्थ अमेरिका में मौजूद है, लेकिन यूरोप का हिस्सा माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप और दुनिया का 12वां बड़ा देश है। ग्रीनलैंड में कोई भी सड़क या रेल लाइन मौजूद नहीं है। यहाँ के लोग नाव या फिर हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज से यात्रा करते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की आबादी महज 57,000 है। अगर पर्यटन के लिहाज से देखा जाए तो ग्रीनलैंड अगस्त में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है। इस दौरान यहाँ के पहाड़ धूप की रोशनी में सुनहरे नजर आते हैं। यहाँ क्रूज पर बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। दुनिया में ग्रीनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ गर्मियों के समय में सूरज नहीं डूबता, यहाँ रात में भी आप सूरज को देख सकते हैं। ग्रीनलैंड के लोग डेनिश भाषा बोलते हैं और यहाँ की मुद्रा डेनिश क्रोन है। एक डेनिश क्रोन लगभग 10 रुपए के बराबर होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क के बर्फीले द्वीप ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई थी। ये पहली बार नहीं है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ग्रीनलैंड को लेकर अपनी इच्छा जताई हो। इससे पहले 1946 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने डेनमार्क से $10 करोड़ में इस बर्फीले द्वीप को खरीदने की कोशिश की थी। ग्रीनलैंड एक ऐसा द्वीप है जिसका 85% हिस्सा ग्लेशियर से ढका है। लेकिन इस पर अमेरिका की नजर क्यों गड़ी हुई है, ये एक जायज सवाल है जिसका जवाब अब तक ट्रंप ने नहीं दिया है। दरअसल ग्रीनलैंड में अपार प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, लौह अयस्क, सीसा, जिंक, हीरा, सोना और यूरेनियम और तेल जैसे दुनिया के दुर्लभ तत्वों के इस द्वीप पर होने की भरपूर संभावनाएं जताई जा चुकी हैं। इस द्वीप की प्राकृतिक संपदा अब तक अछूती है। नासा ने पिछले साल शोध में पता लगाया था कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्रीनलैंड के इतिहास में ग्लेशियर पिघलने की दो सबसे बड़ी घटनाएं हुई हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते बर्फ पिघलती है तो यहाँ खनिजों और प्राकृतिक तत्वों का खनन आसान भी हो सकता है। हालांकि डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ही अमेरिका की इस इच्छा को किनारे कर चुके हैं, लेकिन फिर भी भविष्य में अगर इस द्वीप का सौदा हुआ तो दुनिया के सबसे बड़े इस द्वीप की क्या कीमत अमेरिका चुकाएगा, इस सवाल का कोई सटीक जवाब नहीं है। लेकिन एक अनुमानित आंकड़ा जरूर है जो काफी सटीक लगता है। यूएस के आर्काइव में सुरक्षित दस्तावेजों के हवाले से कहा गया है कि 1946 में अमेरिका ने जब डेनमार्क के सामने ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव रखा था, तब सोने के तौर पर $100 मिलियन की कीमत कोट की थी। तो उस हिसाब से आज की कीमत का अंदाजा लगा लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड हजारों सालों से कई किलोमीटर बर्फ की मोटी चादर से ढका है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण अब इस पर खतरा मंडरा रहा है। ग्रीनलैंड में पिछले साल रिकॉर्ड गर्मी पड़ी थी जिससे भारी मात्रा में बर्फ पिघली। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि साल 2100 तक सागरों में 3 से 4 फीट पानी अकेले ग्रीनलैंड में पिघलने वाली बर्फ से बढ़ सकता है। इतना पानी दुनिया के कई हिस्सों को डुबोने के लिए काफी होगा। जाहिर है कि दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड में हालात तेजी से बदल रहे हैं। ग्लेशियर सिमट रहे हैं और समंदर का जल स्तर बढ़ रहा है। हॉलैंड इसे दुनिया का अंत कहता है। उनका इशारा भूगोल से ज्यादा भविष्य की तरफ है। ऐसा भविष्य जो अब से ज्यादा गर्म होगी, जिसमें अब से ज्यादा पानी होगा। ग्रीनलैंड है तो बहुत ही खूबसूरत देश, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस देश की बर्फ पिघल रही है। अभी हाल ही में ग्रीनलैंड में स्थित बर्फ के पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा उत्तरी पूर्वी आर्कटिक में टूट गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन का सबूत है। नेशनल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड ने बताया कि बर्फ का जो हिस्सा टूटा है वो 110 वर्ग किलोमीटर बड़ा है।
ये एक बड़े पहाड़ से टूटा है जो करीब 80 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा है। 1999 से अभी तक इस पहाड़ से 160 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा टूट चुका है, जो न्यूयॉर्क में मैनहट्टन के क्षेत्रफल से दोगुना है। यानी ग्रीनलैंड की बर्फ दुनिया में तबाही ला सकती है। जरा सोचिए, जिस देश में प्रदूषण है ही नहीं, वो देश प्रदूषण की वजह से होने वाली ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है।